भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो बसदेव जी लेकर के आए थे भगवान को, तो यहीं पर भगवान का दे गए थे रात को 12 बजे। यहीं भगवान का पालन पोषण हुआ है, यहीं भगवान झूला में झूल रहे, भगवान का ही झूला झूलते भगवान के दर। आज हम आपको गोकुल के दर्शन कराएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बचपन की लीलाएं की थी। कैसी दिखती है वो गोकुल नगरी, उस पावन भूमि के दर्शन करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं गोकुल के दर्शन कराऊंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोकुल है और ये यमुना महारानी है। मथुरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वासुदेव रात में 12 बजे जन्म के बाद जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे गोकुल छोड़े आओ नंद बाबा यशोदा के घर। वो गोकुल में रहते थे और इसी यमुना महारानी के रास्ते चल करके और वो गोकुल आए और भगवान को यशोदा माता के नंद महल में वो सुला करके चले गई। चलिए करते हैं गोकुल का दर्शन। ये मथुरा से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है। अगर आप अपने वाहन से आना चाहते हैं तो आप गोकुल बैराज को पार करते हुए, बस ये गोकुल बैराज से नज़दीकी है। तो देखिए ये गोकुल का मेन गेट है और करते हैं प्रवेश। बहुत ही सुंदर हरा भरा एरिया है, यमुना किनारा है और यमुना मिशन वालों ने भी इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया है और इसका जीर्णोद्धार कर दिया है इस घाट का। ये ठकुरानी घाट है और यहाँ पर कई घाट हैं लेकिन ये मुख्य घाट है। देखिए हम इस बैराज पर होकर ही अभी आए हैं, ब्रिज पर होकर के। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था है, आप अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य मार्ग है तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। है नंद महल। यहाँ नंद बाबा अपने परिवार के साथ, कन्हैया जी के साथ, बलदाऊ जी के साथ और माता यशोदा जी के साथ रहते थे। तो यानी यहाँ नंद बाबा का परिवार रहता था। ये बिल्कुल यमुना किनारे आप देखेंगे, देखिए महल में ही बिल्कुल सामने आप खिड़की में से देख सकते हैं यमुना जी बह रही हैं। यानी ये बिल्कुल यमुना किनारा है और यहीं इसी रास्ते से भगवान को लेकर के आए थे वासुदेव जी। तो देखिए नंद भवन में हम इन कलयुग के कृष्ण कन्हैया के भी दर्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पर देखिए नंद भवन में बैठे हुए हैं तो इनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नंद भवन की तरफ। दोस्तों ये वही नंद भवन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की छठी पूजी थी, नंदोत्सव मनाया गया था धूमधाम से। ये वही स्थान है पवित्र, आप इसके दर्शन जरूर कीजिएगा अगर आपको मौका लगे दर्शन करने का। ये नंद बाबा का परिवार है और कृष्ण कन्हैया झूले में झूल रहे हैं। इन पुजारी जी से ही पूछते हैं यहाँ के बारे में। राधे राधे। हाँ पंडित जी, गोकुल में खड़े हैं तो आप गोकुल की हमें बताइए। ये देखिए गोकुल, चार धाम के माता पिता घर है गोकुल। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ
तो बसदेव जी लेकर के आए थे भगवान को, तो यहीं पर भगवान का दे गए थे रात को 12 बजे। यहीं भगवान का पालन पोषण हुआ है, यहीं भगवान झूला में झूल रहे भगवान का, यहीं झूला झूलते भगवान के इधर। तो यहाँ बाल्यकाल भगवान का यहीं पर गुजरा है भगवान का। पूतना को मारा, उकल से हाथ बांधा, माखन चोरी लीला किया, अगासुर बगा, ये छोटे छोटे लीला भगवान ने किया है जो यहाँ गोकुल में किया है भगवान के इधर। तो प्रथम गोकुल में आने के बाद में ये शंकर जी देख रहे हैं आप कि प्रथम यहाँ पर दर्शन करने के लिए शंकर जी आए थे। यहाँ पर उनको मालूम पड़ा था भगवान को कि भगवान का जन्म गोकुल में हो गया है, तो शंकर जी पार्वती जी को लेकर के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। तो शंकर जी को देख करके जसोदा जी बेहोश हो गई, तो मुंडों की माला थी, सर्प थे, इनको डर लग गया, तो उन्हें दर्शन नहीं कराया। शंकर जी बोले गला माता मुझको दर्शन कराओ, बेटा मैं दर्शन तुमको नहीं कराऊंगी, अभी से जन्म से जब से जन्म हुआ है हमारे लाला का, जब से इतने बाबा जी साधु आ रहे हैं, पहले जिससे पहले कोई नहीं आता था, इसलिए मैं दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। तो शंकर जी बोले कि मैं दर्शन करके जाऊंगा माता, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर जी ने भगवान ने बोले कि माता दर्शन नहीं कराएगी तो कुछ लीला करना चाहिए, तो भगवान रोने लगे। तो 3 रात 3 दिन रो करके भगवान रोने लगे, तो जसोदा जी घबरा गई, जो बच्चा होता तो माता घबरा जाती है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा रो रहा है कृष्ण भगवान, ये चुप नहीं हो रहा है। तो जसोदा चंद्रावली सखी बोली कि माता ये बाबा जी आया है, इसको दर्शन करा दो तुम। तो शंकर जी को फिर इतनी दूर से माता जी ने दर्शन कराया है, ये दर्शन करा रहे शंकर जी दूर से दर्शन कराए। दर्शन करा करके अलग जगा करके बल कृष्ण भगवान को झाला दे करके, झाड़ा दे करके जब ये शंकर जी यहाँ पर दर्शन करने के यहाँ पर गए हैं, तो ये नंद बाबा का घर है भगवान का। यहाँ पर ये पूरा परिवार है नंद बाबा का, यहाँ पर ये 4 धाम की माता यात्रा का फल मिलता है। यहाँ पर नंद बाबा जसोदा जी पूरा परिवार है नंद बाबा का। यहाँ पर तो यहाँ जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, फिर एक दिन जन्माष्टमी से एक दिन पहले यहाँ पर छठी पूजती है, ये छठी बना हुआ छठी का फोटो, छठी पूजी है यहाँ पर, ये छठी पूजती है। सब जगह जैसे बच्चा होता है तो 6 दिन के हो जाते हैं जब छठी पूजती है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म से एक दिन पहले छठी पूजती है, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ था भगवान का उसके 6 दिन बाद पूतना आ गई थी, तो जसोदा जी ने छठी नहीं पूजी। तो अगली साल जसोदा जी ने जन्म से एक दिन पहले यहाँ पर छठी पूजती है, तो यहाँ छठी पूजी और उसके बाद जन्म होता है भगवान का। कहता है पहले छठी पूजती है उसके बाद जन्म होता है, फिर उसके एक दिन बाद यहाँ पर नंदोत्सव होता है। नंदोत्सव नंद के आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, यहाँ से सवारी निकलती है नंद बाबा जसोदा जी, नंद बाबा जसोदा जी कृष्ण बलराम को लेकर के। यहाँ पर एक नंद चौक है, वहाँ नंद चौक में नंद उत्सव होता है, माखन मिश्री लड्डू मिश्री कपड़े वस्त्र ये सब भगवान यहाँ पर लौटाते हैं, भक्तजन भगवान का भक्तजनों की भीड़ होती है, तो यहाँ से नंद गोपाल का जाता है भगवान के घर। तो ये भगवान का नंद बाबा का मुख्य महल है भगवान का। ये बसदेव भी लेकर के आए थे भगवान को रात के समय, तो सूप में धर के लेकर के आए थे, शेषनाग छा कर रहा है, तो वो जेल में दर्शन दिया था कि मुझको गोकुल पहुँचा दो, तो बसदेव जी ने कृष्ण भगवान को लेकर के गोकुल पहुँचाया है। यहाँ ये गोकुल में जसोदा जी सो रही है, तो लड़की पैदा हुई थी ना, तो लड़की को यहाँ से ले गए थे और कृष्ण भगवान को यहाँ पर सुला गए थे। ये सोवर का दर्शन है भगवान का, ये माखन चोरी लीला है, युखल से हाथ बांधा ना भगवान ने, तो युखल से हाथ बांधा भगवान का, तो ये माखन चोरी लीला है भगवान का, ये युखल है, ये कृष्ण भगवान के हाथ बांध दिए नंद बाबा जसोदा जी हैं, कृष्ण बलदाव जी हैं, उनके हाथ बांध दिए, चोरी करती थी भगवान, तो माता ने बांध दिया उखल से। जब 6 दिन के हुए भगवान, तो पूतना आंचरों से पिछला लगा करके आई थी, गोपी गारू धर के आई थी पूतना, जो राकेश जी घर में मंदिर में घुसने नहीं देते जसोदा जी, इसलिए गोपी गारू धर के आई थी, भगवान को खिलाने लगी, भगवान ने आंचरों से दूध पिया है भगवान का, तो उनको प्राण खींचा है, और जब ये राकेश जी धारण किया है 2 रूप है इसके, गोपी का और ये राक्षसी का, इसको माता का गति दिया है, दूध पिया है ना इसका, तो इसको माता का गति दिया है, पूतना का दूध पिया, जसोदा का दूध पिया और देवकी का दूध पिया, 3 माता का दूध पिया कृष्ण भगवान ने, तो 3 माता के हैं भगवान के, कृष्ण भगवान ये, तो उनका दूध पिया, तो उनको माता का गति दिया है भगवान के तरह पूतना में। राधे 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 राधे। चलिए और आगे चलते हैं, गोकुल की गलियों में दर्शन करते हैं। यहाँ गोकुल में और भी मंदिर हैं, और नंद चौक है, नंद महल है, तो आप करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं, दर्शन सभी मंदिरों में एक जैसे ही है, तो आप आए तो गोकुल जरूर आइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।